नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद अब लगातार पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। न सिर्फ उपद्रवियों की गिरफ्तारी का दौर चल रहा है, बल्कि सहारनपुर में दो उपद्रवियों की पहचान कर अब पुलिस प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर चलाया है। दरअसल इन दोनों आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। आरोपियों के नाम अब्दुल वाकिर और मुजम्मिल हैं, जिनके घर पर बुलडोजर चला है। बताया ये गया है कि दरअसल ये अवैध निर्माण है जो गिराया गया है, और इस पूरे मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे थे। इसके आधार पर ही पुलिस ने इन दो आरोपियों की पहचान की है, और इनके घर जो है वो इलीगल तरीके से बने हुए थे, अवैध निर्माण था, जिसके चलते इनके घर पर बुलडोजर चला है। तो आपको बता दें, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश समेत राजधानी दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि रांची में भी इस तरीके की हिंसा और उपद्रव देखने को मिला। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि न सिर्फ इन उपद्रवियों की, इन दंगाइयों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। लगभग 200 से ज्यादा जो उपद्रवी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, बल्कि तमाम जगहों पर बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिल रहा है, जहाँ इन उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके घरों पर ये बुलडोजर की हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने घरों को अवैध तरीके से बनाया हुआ है। ये साफ तौर पर सहारनपुर में देखने को मिला, जहां पुलिस प्रशासन ने ये सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और आपको बता दें, पुलिस ने इन दोनों को आरोपी बनाया है, अब्दुल वाकिर और साथ ही मुजम्मिल, ये दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। ये लोग नमाज के बाद सड़क पर उपद्रव कर रहे थे। इन दोनों ने भीड़ पर पथराव किए हैं और नारे लगाए हैं। वायरल पोस्टर भी सामने आए हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं जिसके चलते विवाद हुआ। जिस तरीके से तमाम हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की जा रही थी, इसके कई वीडियो पुलिस को हाथ लगे हैं, और उसी के आधार पर फिलहाल ये एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से कानपुर में जो हिंसा भड़की, उसके बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला किया, तमाम जो वीडियो वायरल हुए थे उन्हें पुलिस ने खंगाला, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हुआ, और ये गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। और उसके बाद अब कानपुर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये साफ तौर पर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकार को सख्त लहजे में बता दिया था कि उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और उसके बाद अब बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला है। सहारनपुर के मामले में अगर बात की जाए तो वहां पुलिस प्रशासन का यह भी कहना है कि इन तमाम आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर सहारनपुर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। क्योंकि कल जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा सहारनपुर से ही इसकी शुरुआत हुई। सहारनपुर में ही सबसे पहले इस तरीके से पथराव और नारेबाजी देखने को मिली। इसके बाद देवबंद और आसपास के इलाकों में इस तरीके से हिंसा भड़कने का दौर शुरू हुआ और प्रयागराज तक जा पहुंचा, जहां प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पर अब उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अगर सहारनपुर की बात की जाए तो अब तक सहारनपुर में 64 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो तमाम ये उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, जेल में बंद हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो हिंसा भड़की है, उसमें पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी का ये दौर अभी भी जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से ये जानकारी दी गई है।
सहारनपुर में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां अब बुलडोजर जो है इन तमाम आरोपियों के अवैध निर्माण जो है उसे ढहाने का काम कर रहा है। तो सहारनपुर की जमा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जो नमाजी वहां से बाहर आए उन्होंने अचानक नारेबाजी शुरू की और मस्जिद से नमाजी भीड़ के साथ घंटाघर पहुंचे। वहां कमिश्नर और DIG डॉक्टर प्रतिंदर सिंह मौजूद थे। नमाजियों ने एकदम पत्थरबाजी शुरू कर दी और जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने सहारनपुर से 20 और देवबंद से 16 को हिरासत में लिया है और उसके बाद भी लगातार ये संख्या बढ़ रही है। उपद्रवियों की पहचान जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और आने वाले वक्त में ये एक्शन और ज्यादा तेज हो सकता है। अब माना जा रहा है कि तमाम ऐसे ही उपद्रवियों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि NSA के तहत कार्रवाई होगी ये भी संकेत जो है वो पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। जहां शुक्रवार को ही CM योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किया था तो वहां लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके तमाम वो जिले जहां हिंसा हुई है उन पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में माहौल बिगाड़ने के लिए हुए अराजक प्रयासों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ऐसे असामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ये ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो लेकिन दोषी एक भी ना बच पाए। ये सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो निर्दोष है उन्हें परेशान ना किया जाए लेकिन जो दोषी है वो एक भी बचने ना पाए जिन्होंने इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए ये साजिश एक तरीके से रची। जिस तरीके से तमाम अलग अलग जिलों की जामा मस्जिद से इस तरीके से पथराव हुआ इस तरीके से नारेबाजी हुई खासतौर पर पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया उन्हें निशाना बनाया गया जिसमें बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये मुख्यमंत्री का सख्त आदेश कह सकते हैं अधिकार को है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। उपद्रवियों से जिस तरीके से निपटा जाए अधिकारी उस तरीके से निपटें और इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कहीं ना कहीं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कानपुर के बाद जो सहारनपुर से चिंगारी उठी वो प्रयागराज मुरादाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश के लगभग 10 बड़े शहर और उसके अलावा देश में चाहे फिर राजधानी दिल्ली हो फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो कर्नाटक और यहां तक कि झारखंड में जो रांची में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला उसने भी अपने आप में सवाल खड़े किए हैं। तो फिलहाल सहारनपुर में इस एक्शन की शुरुआत हुई है और उसके बाद प्रयागराज में भी जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जिस तरीके से वहां पुलिस कर्मियों और साथ ही जो PSC की गाड़ियां थी उन्हें भी आग के हवाले किया गया उन तमाम उपद्रवियों की अब एक एक कर पहचान हो रही है। तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है जो भी आरोपी होगा उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी ये साफ तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है। और प्रयागराज में भी जो हिंसा भड़की है उसमें भी लगातार गिरफ्तारी का दौर जारी है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कल हिंसा भड़की जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया और जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों ने आग में घी डालने का काम किया तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके ट्वीट सामने आए भले ही इस हिंसा को लेकर वो सरकार को घेरते नजर आए लेकिन किसी ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील नहीं की बजाय इसके कहीं ना कहीं इस तरीके के ट्वीट किए गए जिससे इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब सहारनपुर में उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो ऐसे में निर्दोषों की गिरफ्तारी ना हो इसलिए एक प्रतिनिधि मंडल ने DM और SSP से मुलाकात भी की है। आपको ये बता दें कि उपद्रवियों पर एक्शन हो रहा है तो वहीं जो सहारनपुर के सांसद हैं हाजी इसके अलावा विधायक उमर अली खान पूर्व विधायक संजय कर पूर्व मंत्री सरफराज खान के तमाम एक प्रतिनिधि मंडल था अलग अलग दलों से जुड़े नेताओं का जो कि जिला अधिकारी और साथ ही SSP के पास पहुंचा और ये
कहा गया, अपील की गई कि दरअसल निर्दोषों पर कार्रवाई ना होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि निर्दोषों की गिरफ्तारी जो है वो गलत है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से भी यही निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए हैं, लेकिन पुलिस के आला अफसरों का ये कहना है कि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं, तमाम जो सबूत हैं, उन्हें जुटाया जा रहा है और उसके आधार पर ही ये गिरफ्तारी हो रही है। इस तरीके से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक दल ऐसा भी है, एक झुंड ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं इनके बचाव में उतरा हुआ है। लेकिन फिलहाल इन उपद्रवियों पर एक्शन होगा, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश अधिकारियों को है और यही वजह है कि उसके बाद अब सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।